दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ। कोरोना वायरस के संक्रमित मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। विश्व में अमेरिका कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 1.25 करोड़ से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं और 38 लाख से ज्यादा एक्टिव कोरोना मरीज है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद कब तक वहां के लोगों की जिंदगी वापस सामान्य होगी। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए हर कोई कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार कर रहा है। वैक्सीन के सहारे कोरोना वायरस पर लगाम लगने में मदद मिल सकती है। वही संक्रमित मामलों की संख्या को देखते हुए मौजूदा वक्त में अमेरिका को कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत देखने को मिल रही है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के आने के बाद मई 2021 तक अमेरिका में जिंदगी सामान्य हो सकती है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के वैक्सीन प्रोग्राम के सलाहकार ने भविष्यवाणी की, अमेरिका में लोगों की जिंदगी मई 2021 के आसपास सामान्य हो सकती है क्योंकि कोरोना का टीकाकरण शुरू होने वाला है। वही यह बयान आशा की एक किरण के रूप में ऐसे वक्त में आया है जब लाखों अमेरिकियों की इस हफ्ते थैंक्सगिविंग हॉलीडे के लिए यात्रा करने की संभावना थी। वही कई लोग संक्रामक रोग के प्रसार को बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। सरकार के ऑपरेशन वाव स्पीड वैक्सीन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार मॉन्सेप सलोई ने कहा कि पहली वैक्सीन के लिए लंबित विनिमयक अनुमोदन का मतलब है कि अमेरिकियों को क्लिनिकल ट्रायल से इतर दिसंबर के मध्य से वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।